ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा ये क्या बात हुई, अमेरिका में लड़की को पसंद की शादी करने पर उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया, ये क्या बात हुई बाबा, समझ नहीं आई कुछ। क्या बात है अदा, ऐसा मुंह क्यों बना हुआ, सब खैर की खबर है ना। अरे बाबा अखबार पढ़ने के लिए ना ऐसी शक्ल बनानी पड़ती है, तभी खबर का मजा आता है। आप बला अखबार क्यों पढ़ रहे हो, ये तो फारिग लोगों का काम है। बाबा मैं कौन सा बिजनेस संभालता हूँ बाबा, मैं भी तो फारिग ही हूँ। आप फारे क्यों हो, तो ऐसा करो कि काम कर लो कोई। बाबा तू कौन होती है मुझे समझाने वाली। बहन, अरे बाबा बहन ही दो होती है जो भाइयों को समझाती है। बाबा बस बच्चू भाई आप यहाँ बैठे, मैं भाई 1,00,000 रुपए फटाफट बैंक से निकलवा के दे दें, माल की डिलीवरी करनी है मैंने। अच्छा 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 बाबा मैं बहुत काम कर रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, सीमा को बोल दो। अखबार पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये तो उर्दू में। तो बाबा मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, पढ़ के सुना। हाँ हाँ ये देखो बाबा, गा अलिफ गा वाओ नून गुना गाऊं। तो हिज्जे कर रहे हो भाई। वैसे अदा तुमको उर्दू पढ़ना तो आती नहीं, निकाह नामे पे तुमने क्या लिखा था। अरे बाबा मैंने बस लिखा था आने दो। ये आने दो, ये कैसे दस्तखत है। अरे बाबा अगर हम पढ़े लिखे होते ना तो तुम जैसे को नौकर रखते। सोच बाबा सोच। सोचो बाबा। अच्छा बाबा मैं चलता हूँ, मुझे जो है वो चाय पीनी है। चाय मैं बना देता हूँ आपको। नहीं बाबा चाय सिर्फ पठाने की। हाय हाय हाय। अच्छा अच्छा बच्चों भाई जा रहे हैं बाहर ना, तो शरियार को पैसे देने, 1,00,000 रुपए निकाल लीजिएगा। बाबा देखता हूँ सोचता हूँ क्या करते हैं। सर माल डिलीवरी करनी सर, बस जानी मेरे को भी एक गिलास मिल्क शेक बना दो। मिल्क शेक कौन सा वाला, आम का या मैंगो का। तो दोनों एक ही जैसे, क्या हो गया मेरे, पागल हो जाऊंगा मैं थोड़े दिनों में। सीमा सीमा बैठी, सीमा ओ सीमा किधर है, सीमा आ गया मेरा बच्चा आ गया। अरे पापा आप कब आए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया, असल में मेरा दोस्त शेख अकरम दुबई से आ रखा ना, दुबई से, तो उससे जरा काम है मेरे को ना। असली शेख है। नहीं स्टील का शेख है, असली शेख है जी, या कारोबार करने आया, फैक्ट्रियां खोलेगा ना जी। अच्छा अच्छा, ये इधर रुकने का और बहुत उसका ख्याल रखने का, दुबई का बहुत बड़ा शेख है जी। अरे बाबा जानी आप कब आए। जो भी आता कब आए कब आए, चला जा क्या। बच्चू पापा के दोस्त आ रहे हैं दुबई से। अरे बाबा खिलौने लाएगा। खिलौने, मेरा दोस्त है अकरम शेख, कारोबार के लिए आया जी। अच्छा बाबा कैसा कारोबार, ये तो उसी को पता होने का ना। बच्चू वो शेख हमारे घर में ही रहेगा। अच्छा हमारे घर पे रुकेगा, लेकिन बाबा हमें अरबी तो आती नहीं है। उसको तो उर्दू आता है। अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, सुसर का हुकुम सर आंखों पर। पापा जानी आप वापस कब जा रहे हैं। बच्चू क्या बकवास कर रहे हो, जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा बाबा मैं बहुत ही बदतमीज दामाद है मेरा। नहीं नहीं पापा जानी ऐसी 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 ऐसे ही। हाँ 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 शहरयार को बोल दूंगा। हाँ बोल दूंगा मैं। हाँ कार्टन पहुंच जाएंगे, ठीक है चलो ओके अल्लाह। ओहो वो जा रहे हुक्म का इक्का। एक बात बता मसला क्या है, क्या बोल रहे हो। गलत थोड़ी बोल रहा है ये। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ तुम दोनों को काफी दिनों से, आते जाते लोगों पे जुमले कसते हो। हाँ तो तुझे इतना मसला है तो घर छोड़ के चला जाना, या हम तुझे निकलवा दे इस मोहल्ले से। मैंने ऐसा क्या किया है। क्या किया यार, आज तक तेरे घर से हलवा तक नहीं आया। हमारे हलवा बनता ही नहीं है, खानदानी हलवाई है और हलवा ना बने। अबे किसने कहा कि मैं हलवाई हूँ। नहीं तू तो इलाहाबाद का रहने वाला है ना। अबे जा जा अपना काम कर। वही तो कर रहे हैं, आवारा गर्दी को काम नहीं कहते समझे। आवारा गर्दी के बिना भी कोई काम नहीं होता। अबे दीवाने गालिब के कीड़े, जा अपना रास्ता नाप। हम तो यहाँ पहले से बैठे हैं, तू जाकर अपना रास्ता नाप, वरना वरना मैं हाथ छोड़ दूंगा। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे भी किसी से कम मत समझना। क्या कर लेगा। क्या करूंगा मैं, तू सोच भी नहीं सकता।
अच्छा फिर गिनते गिन जरा एक से तीन तक। एक दो तीन। ओहो ये जानी भी पता नहीं किधर रह जाता है। मैं भी दरवाजा खोलूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अना शेख ताजा ताजा आया तुम। अरे ताजा हो या बासी? शक्ल से तो तुम लग रहा है मासी। वल्लाहि अना खुश हुआ तुम शेख, मजबूत हुआ तुम अंत मर तैयो। अरे अरे किधर अंदर चले आ रहे हो? चोर लग रहे हो तुम मेरे को। ठहरो मैं भी अपने अदा को बुलाती हूँ। अदा बच्चू, अदा बच्चू देखो पता नहीं घर में कौन घुस आया है। अदा बच्चू। हाँ बाबा क्या हुआ? हटो बाबा क्या हुआ, क्या हुआ बाबा? ये देखो। हाँ बाबा कौन है तुम? वल्लाह वल्लाह अना शेख अकरम, अना सिद्दीक सेठ हशमतुन। अरे बाबा हमें अरबी समझ नहीं आती है। अस्तगफिरुल्लाह। अरे बाबा ये तो सेठ हशमत के दोस्त हैं बाबा। आओ बाबा आओ, आ जाओ बाबा आ जाओ। ये किधर आ जाओ, जोर लग रहे मेरे को तो। अरे नहीं बाबा ये सीमा के अब्बा के दोस्त हैं बाबा। वल्लाह अंता बिल्कुल सही बोला तुन, मुलाकात करवा तुन। हाँ ठीक है बाबा आप अंदर चला तुन। वल्लाह बिन हजा ये लड़की कौन है? अरे बाबा ये मेरी बहन है जरीना। वल्लाह मर्रा शाह तेरा तू ना। आप इसको छोड़े बाबा अंदर चला तू। हाथी ना हाथी ना। अंदर हो शुभ सैयारा बर। शुक्र है शुक्र या हबीबी शुक्र शुक्र। दरवाजा बंद कर बाबा कोई और आ जाएगा। सीमा मैडम इस सेठ साहब के जो दोस्त आते हैं ये अपनिया क्यों ले जाते, हमें परेशान करने आ जाते। ज्यादा अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी है जाने। बड़े आदमी मतलब कितने? 100 साल के? कितने? 101 साल? कितने साल के? अरे मेरा मतलब है कि बहुत पैसे वाले हैं। अरे आइए बाबा शेख साहब आइए बाबा आइए 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 बैठिए बाबा बैठिए तशरीफ रखिए। शेख साहब ये मेरी बीवी सीमा है और ये हमारा मैनेजर है मेरा जानी। तो अच्छा तो आप हैं क्या करने आए हैं यहाँ शेख साहब? बोला ये शेख या हबीबी इंसानी जिंदगी वल्लाह है मरना बर्बाद तुन बादिनादा और तुन फितरतुन शातिरतुन और आशिक परेशान तुन। बच्चू भाई तू इतनी हॉट अरबी बोल रहे हैं, हमने अगर बोली ना हमें तो लकवाई मार जाएगा। बाबा ये बात तो है। शेख साहब आपको उर्दू बोली नहीं आती है? तुम्हारी वर्बी आना आ तुम थोड़ा 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 नहीं बोले ज्यादा ज्यादा बोले ताकि पूरा पूरा समझ में आए। आना कोशिश कर तुम। वैसे आप यहाँ करने क्या आए? अरे जी थी ना या शेख अना इधर हम आया तुन फैक्ट्री लगा तुन बस मर्रा गलत हुआ तुन। क्या हुआ तुन? अना फिर स्टेशन स्टेशन अना हम बैतुल खला जा तुन हमारा जमल जमल अंतारी जमल वो गायब तुन। बाहर उठ खड़ेंगे तो गायब तो हुआ तुन। माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर मर्रा शाद तुम उर्दू जान तुन। अना शेख खुश हुआ तुन तुम हमारा जमल बाबा वो ऊंट ढूंढ कर लाया तुम अरे कितने फुलस आता तुम। बच्चू बच्चू मुझे लगता है शेख साहब के पास बहुत नोट है, दोस्ती कर लो फायदा होगा। ठीक है ठीक है बाबा। अंका चला था ऐश कलाब तुम तीनों क्या बात कर रहे थे? अरे नहीं नहीं शेख साहब ऐसा कुछ नहीं है बाबा। बाबा मैम कह रहे थे कि आप अकाउंट भी मिल जाएगा और काम भी सेट हो जाएगा। वल्लाह मर्रा शुक्र है तुनी है शेख बस आना अभी हमको मर्रा 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 भूख लगा तुन। वाहिद अब तुम बकरा कबीर पूरा कामिल करा तुन। बदन खा तुन। साबित बकरा ला साबित बकरा सब कौन अफोर्ड करा तुन? हाँ हाँ क्यों नहीं जल्दी जाओ ना कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। ओके मैं करा तुन करा जाओ। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर निकलो मेहमान के लिए मैं कुछ बना लूं। कौन है मेहमान? वो शेख? वो तो मेरे को ऐसे ही लगता है। ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है बहुत पैसे वाला। अच्छा अभी मैं उसे 10,000 रुपए मांगती हूँ, देख लेना पता चलेगा कितना बड़ा आदमी है। कर दी ना छोटी बात। देख रहा है मैं सब देख रहा है, बोलेगा कुछ नहीं एकदम से फटेगा। हाँ सेठ साहब अब हमेशा मुझे गलत समझते हैं।
क्या मतलब है? मतलब ये कि वो आपका जो दोस्त है ना, उसके लिए जानी चाय बना रहे। कौन सा दोस्त जी? अरे वो ही दुबई का जोकर शेख। वो आ गया? कब आया? अरे बहुत देर से आया, अब तो जाने वाला होगा। किधर है वो? बच्चू भाई के साथ बैठा हुआ है। बिठा दिया है, अभी जाके देखे तुम्हें। लेकिन एक बात बताने का, बोलना नहीं है, सिर्फ पटना है, पटना। इस सेठ साहब का दिमाग कुछ किसका लग रहा है मुझे। अरे छोड़ो इनको, जानी मेरे को दुबई देखने का बहुत शौक है। तो जाओ, किसने रोका? हाँ हाँ, तुम तो मुझे भगाना चाहते हो। हाँ हाँ चाह रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम्हारी सेहत जरा फिट रहे। सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ अच्छा, अब जाओ जाओ, मुझे काम करने दो, जाओ। एक तो पता नहीं सब लोग छेक के पीछे पागल हो गए जैसे। इसको मिलाकर ये शेख 2 करोड़ का मिल हुआ। तो 2 करोड़ बाबा? अच्छा क्या हो गया? अरे बाबा, सांस नहीं आ रही, आवाज नहीं निकल रही है। या हबीबी, ये तो सिर्फ एडवांस तुन, बाकी पैसा 1 हफ्ते के बाद आएगा तुन। खुश आमदेद, खुश आमदेद। मर भी हया, मरहबा मरहबा। हाजा भाई हाजा, अरबी आया ताजा। ठंडा भाई ठंडा, अरबी बोलने से बाज आ जा। अच्छा बहुत मजाक करा तुम। ये मेरी बेटी सीमा जी, और ये जो है इसका शौहर है तकरीबन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वल्लाह है बहुत अच्छा जोड़ा तुम। अरे बाबा इधर देखो मेरी तरफ, वरना आंखें फोड़ा तुम। शेख किस चीज का कंपनी लगा रहे तुम? या शेख या हबीबी, बहुत बड़ा कारोबार करा तुम, 2 फैक्ट्री सीमेंट के लगा तुम, शोरूम बना तुम, और बहुत कारोबार करूँ। चलो चलो तुम आराम करो, कुछ खाया कि नहीं? या शेख जब से आया तुम सिर्फ हवा खाया तुम बस। बहुत शर्म का बात है जी, कम से कम पानी दो पिलाओ इसको। पापा मैंने बोला जानी को, वो ला रहा है। उसकी बात है खत्म होने का तो फिर आने का ना, वो बात करती तुम भी। चोरी आ गया, सारा मार चोरी आ गया, मैं आते है अभी आज को चोरी आ गया। अरे पापा, पापा जानी, पापा कहाँ, पापा चोरी कहाँ हुई? अरे पापा क्या बोला है तुम्हारे पापा, तुम्हें समझ नहीं आया है? हसमत किधर जाता तुम? कुछ नहीं पता तुम। वल्ला या जरीना हमको कभी भुलाना ना। ये आप शादी कर रहे हो या मुझसे कुछ कह रहे हो? हम तुमसे कलामतुन। अरे शेख साहब, मैं आपको वहाँ ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं। या हबीबी, वल्ला हमको तुम्हारा घर और घर वाला बहुत अच्छा लगा तुम। शेख साहब एक बात पूछूं, आपकी शादी होगी क्या? ए शुकंता ये शेख, बस 200 में 1 कम हुआ तुम, अभी 200 भी काबिल हुआ तुम। 200? ये शेख लोग इतनी शादियां क्यों करते हैं? तुमको क्या तकलीफ हुआ तुम? हाँ तुम्हारे कजन से तो नहीं करा तुम? शेख साहब मैंने कभी दुबई नहीं देखा, कैसा है? हेलो हेलो, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ तो। वहाँ आपके तेल के कुएं हैं क्या? हाँ वल्लाह, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हैं? इसको सर की मालिश करनी है ना। अच्छा हमारे ऊँट का क्या हुआ तुम, तुम पता लगाए तुम? हाँ हाँ, मैंने थाने फोन किया है, बेग साहब जो है पता लगा रहे हैं। शाबाश, हम तुमको माला माल करा तुम। वो हमारा वो बैग कहाँ है? कमरे में होगा। हम लोग इसमें 2 करोड़ रखा तुम, गिन के रखा तुम। 2 करोड़ रुपए? बाबा मैंने तो कभी 2 करोड़ देखे भी नहीं है। सरीना इतनी लालच अच्छी नहीं होती। शेख साहब मैं आपका बैग साफ करके आता हूँ, मट्टी लग गई होगी उसमें। मैं उसको कपड़ा गीला करके देती हूँ ताकि वो उसको साफ कर दे। जरीना जरीना वल्लाह इश्वर या शेख हराम अलैका। अरे बाबा वो शेख जो है ना वो बहुत बड़ी पार्टी है। सारे शेख अमीर ही होते हैं बच्चू। अच्छा बाबा वो जो हमारे दोस्त हैं वो तो बहुत गरीब हैं। क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं। अच्छा बाबा ये सही है। बच्चू भाई, सीमा मैडम। हाँ बाबा, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम पैसों की कोई बात करने आए, मांगना नहीं बाबा पैसे। हाँ दा उसके बैग में 2 करोड़ रुपए रखे हुए। हाँ तो बाबा मैं क्या करूँ? बच्चू भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता, 50-60-70 लाख हमारे पास भी आ जाए। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, ये चोरी होती है, और अगर पापा को पता चल गया ना तो पता ना क्या करेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे वो।
अरे पापा को पता ही नहीं चलने देंगे अपन लोग। तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो और तुम भी अपने पापा को अपने पास रखो। बच्चू देखो ये फिर शुरू हो रही है। अरे भाई कुछ तो ख्याल करे, शेख साहब घर में आए हैं, क्या सोचेंगे वो। तुम चुप रहो, वो नहीं देख रहा। अरे बाबा देख नहीं रहा लेकिन उसे आवाज तो जा रही होगी ना। तुम लोग ने जो भी करना ना करो, बस मेरा नाम ही आना चाहिए बीच में। छावा जाने दो जाने दो। अरे जानी भला कुछ करो, 2 करोड़ का सवाल है, अपन लोगों की जिंदगी बन जाएगी। बैग रखा कहाँ है? अरे बाबा कमरे में है। हाँ जानी को ऐसा चक्कर चलाओ कि शेख भी भाग जाए और अपना बैग भी भूल जाए। बबलो वो अपने ऊंट को नहीं भूल पा रहा, 2 करोड़ के बैग को कैसे भूलेगा। एक काम करो जानी, तुम जाओ शकत भाई को बुला के लाओ। गुड आइडिया, गुड। मैं बुला फोन नहीं करूं, वैसे ही जाओ यहाँ से। यहाँ जाओ बाबा। 2 करोड़ मिले तो सबसे पहले मेरी शादी करा देना। अरे बाबा और भी बहुत काम है, बहुत सारी गांव खरीदनी है बाबा मैंने। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। शेख वल्लाह मादरी फैन रहा जमालिया शेख। अब हमारा वो वल्लाह ऊंट वो गायब हुआ तुन मादरी फैन रहा। आए भाई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन भाई? आपने हमको नहीं पहचाना तुम? नहीं वल्लाह हमने भी नहीं पहचाना तुम। मुझे नहीं पहचाना? अरे अभी तो सलाम किया। तुमने हमको नहीं पहचाना तुम, हमने भी तो जवाब दिया। अरे मैं आपको पहचान गया, आप तो वो ये ना जो सीवीओ पे बच्चों को ऊंट की सैर कराते, ईद पे तो ज्यादा कमाते होंगे आप। या शेख तुम क्या बोला तुम, हम वो नहीं तुम, हमारा कुआं तुम। अच्छा अच्छा आप वो ही है जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं? क्या बोला तुम। ये कपड़े कहाँ से लिया भाई, किराए पे लिए हो गए? जबरदस्त भाई जबरदस्त। या शेख क्या बकवास करा तुम, आना मेहमान तुम। तो मेहमान से ज्यादा हक पड़ोसियों का होता है भाई। यशक तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला हुआ तुम, हम पैसे वाला तुम तो हम ठेले वाला तुम। हमारा यशक वो जमल जमल पहाड़ा तुम, सोना सोना पहाड़ा तुम। तो हमारा पीपल का झाड़ तुम, हमारा अपना पानी का जहाज तुम, हमारे पास सिर्फ ऊंचा आवाज तुम। यशक वल्लाह अंतमीन तुम हो कौन? पहले तुम बताओ तुम कौन तुम। शुभ यशक हम इधर बिजनेस करने आया तुन और शादी भी करने आया तुन। अच्छा शादी भी करने आया तुन, लड़की देखे? कर लिया। जरीना को पसंद करा तुन। अरे सुबह सुबह उल्टी उल्टी मत फेंक भाई, जरीना तो मेरी मोहब्बत है, हम ये नहीं होने देगा तुन। ओ थी हुआ तुन अभी नहीं तुन, हम नहीं करने देगा तुन। क्या करेगा तुन? अरे 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 जानी रोक कर दो, क्या हो गया? अरे शौकत भाई, अरे शौकत भाई हटो, मेहमान है हमारे, मेहमान है। अरे शौकत भाई मुझे तो छोड़ो। अरे बात क्या बोला? अरे शौकत भाई मैंने आपको फोन किया, एक जरूरी काम है आपसे, आइए आइए। भाई जानी का फोन आया था, अचानक बुलाया है, खैरियत तो है? वो बेग साहब पापा जानी के ना वो एक दोस्त आए हैं शेख अकरम बाबा, उनका ऊंट भी गुम हो गया है और उनका एक बैग भी चोरी हो गया बाबा, उसमें 2 करोड़ रुपए। है बच्चों बैग भी चोरी हो गया? हाँ बाबा बैग भी चोरी हो गया है। 2 करोड़ रुपए? हाँ बाबा 2 करोड़ रुपए, क्यों मुंह में पानी आ गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ये बताएं मुझे बैग चोरी कहाँ से हुआ है? बाबा हमारे घर से और ऊंट बाहर से। अरे ऊंट को छोड़े, 2 करोड़ रुपए मिल गए तो बहुत से ऊंट आ जाएंगे। लेकिन वो ऊंट उसे जान से प्यारा है। ऊंट जान से प्यारा है? ऊंट नहीं होगी। अरे बाबा कोई भी हो आप बस ढूंढे, पहले मैं 2 करोड़ रुपए ढूंढूंगा, ऊंट की खैर है। इसका मतलब है मैं उसको बोल दूं कि ऊंट का घूंट पी ले। अच्छा ये बताएं बैग का कलर कैसा था? ग्रे, ग्रे कलर का था। अच्छा अच्छा ग्रे कलर, ठीक है बाबा मैं ढूंढता हूँ, मैं करता हूँ, जल्दी जल्दी ढूंढना है। जी जी जल्दी ढूंढूंगा। देख लो बच्चू कहीं फंस ना जाए। अरे बाबा नहीं फंसते मैं हूं ना। ये लो बैग पूरे गिने हुए हैं, इसमें पैसे निकलने की करो, हम हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। ध्यान से जाना वो शेख साहब ना बाहर घूम रहे। अगर तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं चल निकल। कबीर से अबे चल निकल। हाँ जी ठीक है। ग्रे कलर का बैग, ओए होए चोर है ये तो।
ग्रे कलर का बैग। बाबा ओके चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर 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 मारो ये शेख रुक सगी तीन चार दिन से जितने भी ऑर्डर्स है ना किसी की भी डिलीवरी नहीं हुई। मालूम है मेरे को मालूम है। आपको कैसे मालूम है? यूनियन लेबर वालों ने आधी दूध की सप्लाई रोक दी है। क्यों? वो कहते हमारी मांगे पूरी करने का। चलिए चाय बनाइए के करेले का रस। मैंने तो चाय बनाई थी, आपके मुंह से लग के करेले का रस बन गया तो अलग बात है। इतना दूध कम डाला, पति डाल के इसको सारा काला कर दिया है। आपको शायद मालूम नहीं है दूध की होगी शॉर्टेज, क्लाइंट को भी नहीं मिल रहा और घर में बस थोड़ा सा बचा था तो अब मैं जरा किफायत शारी कर रहा हूँ। वाह तुमने जाने का फैसला कर लिया। हाँ बाबा हाँ। फिर मैं भला अपना सामान रख लूँ? अरे बाबा तेरा क्या काम उधर। अरे बाबा गांव जा रहे तो मैं भी तो गांव से हूँ। अरे चरी गांव नहीं जा रहा हूँ बाबा, वो मैं वो खपले दूध वाले नहीं है उनसे मिलने जा रहा हूँ बाबा। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, कहाँ टेट्रा पैक और कहाँ खुले दूध का कारोबार, आप तो पक्के दूध वाला बनना चाहते हैं। क्या हुआ पापा? बच्ची को किसी ने अगवा कर ली, जो करोड़ मांग रहे। लेकिन पापा किसका फोन था, क्या कह रहा था वो? मेरी उसे अकेले में बात नहीं हुआ, जो बात हुआ तुम्हारे सामने हुआ ना। दो करोड़ मांग रहे ना, दो करोड़। मसला ये है कि ये काम किया किसने है? अगर तुम पूछ रहे हैं ना तो मेरे को इतना मालूम है जितना तुमको पता है। मेरे ख्याल से ना हमें पुलिस में इत्तला कर देनी चाहिए। खामोशी बेहतर है इल्ले बोलने का। इल्ले हमारे पास तो दो रुपया नहीं है जी, तुम दो करोड़ का बात कर रहे जी। जो करना करो उसके साथ, दामाद हमारा नहीं है, जो मर्जी करो, दो करोड़ उसका टुकड़ा भेजो टुकड़ा। चलो अगली बात कोई करने का नहीं है, बंद करो फोन को। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा